बता दूं कि बड़ी बात यह कि आज इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो पॉर्न एडिक्ट बन रहे हैं, उनको पॉर्न एडिक्शन हो रहा है। आपको पता है वो जाते जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है। तो यही डेंजरस है। इसमें टेस्टिमनीज शामिल है, 40 से ज्यादा जो विक्टिम्स हैं, जी आपने सही सुना, विक्टिम्स, उन्होंने अपनी आप बीती बताई है। एक महिला ये बताती है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी, जो पॉर्न इंडस्ट्री में थी, कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मतलब मेरा ब्रेकअप हुआ था और मुझे सुसाइडल सुसाइड वो आता था कि मैं सुसाइड कर लूं। तभी मुझे एक इंसान का मैसेज आता, वो लगातार मुझे मैसेज कर रहा था कि सेक्स इंडस्ट्री में काम करो, सेक्स इंडस्ट्री में काम करो। मैंने उसकी बात मान ली कि चलो ठीक है, कुछ पैसे ही बन जाएंगे। लेकिन जब मैं उसके पास गई, वहां पे गई, तो नजारा एकदम अलग। उसने मुझे बोला कि तुमको अच्छे पैसे मिलेंगे, तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, जो शूटिंग होगी वो ठीक होगी, और हम इसको एक प्राइवेट वेबसाइट पे डालेंगे और कहीं पे भी इसको सर्कुलेट नहीं करेंगे। वो लड़की छोटी थी, फंस गई बेचारी। अब जब वो गई तो जब उसने देखा तो सब अलग, पूरे रूम में सिर्फ मर्द ही मर्द बने हुए हैं, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं। उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए गए, बार बार। वो परेशान, वो दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब वो अधमरी हो गई, जब समझ लीजिए कि उसके अंदर एकदम जान नहीं रही, तो उसको भगा दिया गया मार्ग कि दोबारा यहां पे दिखना नहीं, और उसको इसके कोई पैसे नहीं मिले, और आज वो वीडियो हर जगह सर्कुलेट है। ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज, कुछ ने बोला कि पैसे मिलते हैं हम जाएंगे कहां, तो इसलिए काम किया जाता है, कोई रेगुलेशन नहीं है। याद रखिएगा कि जब भी आप एक पॉर्न वीडियो को देखते हो ना, तो आप समझिए कि यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यहां पे डिमांड एंड सप्लाई है, यहां पे डिमांड एंड सप्लाई है, इधर डिमांड आ रही है, उधर से सप्लाई आ रही है। और दुनिया में सबसे ज्यादा इस समय एडल्ट कंटेंट देखा जाता है। क्यों? सिंपल सा रीजन है भैया, मैन इज एन एनिमल, और हर एनिमल की एक सेक्सुअल अर्ज होती है, क्योंकि वो नेचर ने बनाया है। तो जब भी हमको इस तरीके का कंटेंट देखने को मिलता है जो सीधा नेचुरली आ रहा है अंदर से, हम उसकी तरफ, वी आर ड्रॉन टुवर्ड्स दैट, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आप ये चीजें देख रहे हो और हद से ज्यादा देख रहे हो, तो बेसिकली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि हर एक वीडियो जब भी आप देख रहे हो, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू जनरेशन से उसका आधा पार्ट जो है ना, वो इसी सेक्सुअल अब्यूज के लिए जाता है। तो अगर कभी भी आप सेक्सुअल ये सब एक्ट देखें या पॉर्न देखें, तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि आपकी ये छोटी सी गलती किसी इंसान के लिए उसकी जान तक ले सकता है और परेशानी का सबब बन रहा है। ओके, तो हम बात करेंगे इस रिपोर्ट की। हेल्थ, तो इन्वेस्टिगेशन अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी। बैकग्राउंड समझ लीजिए, जब कुछ खबरें सामने आई थी। ठीक है, देखिए, ये एक ऐसी डार्क इंडस्ट्री है जो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पीछे का सच जान के आप हैरान हो जाएंगे। यहां पे औरतों को सिर्फ एक मांस की तरह, मांस के लोथड़े की तरह यूज किया जाता है, कि तुम्हारी जो बॉडी है वो एक कॉमोडिटाइज्ड है, मतलब उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम इंसानियत, इंसानियत की भाड़ में ना कोई फीलिंग्स है, हम बस उसको एक बॉडी की ही तरह यूज करेंगे, क्योंकि लोगों को वही चाहिए। तो ये डार्क साइड है, कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप बोलेंगे, सर अगर ऐसा है तो ये भाग जाती। देखिए, बिल्कुल सही, वैलिड क्वेश्चन है, इन्होंने ये भागी क्यों नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आपने मूवीज देखी होंगी अंडरवर्ल्ड की, उसमें एक डायलॉग है बहुत प्रचलित कि ये बेटा इसमें आना तो आसान है, लेकिन इसमें बाहर निकलना बहुत मुश्किल है ना। तो यही है, यहां पे इनको बहला फुसला के लाया जाता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एज फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपकी एज कम है तो आपको ज्यादा पैसे, ज्यादा एज तो कम पैसे। बहुत सारी औरतें पैसों की तंगी की वजह से आती है, जैसे कुछ टेस्टिमनीज में है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे अपना घर चलाना था, मुझे बिल्स भरने थे, तो मैं कहां जाऊं, तो मुझे यही लगा, और इसी का ही ये फायदा उठाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि आपको लगता है इसमें बहुत पैसे मिलते हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती है बिल्कुल। जो 100% जैसे मान लीजिए प्रॉफिट आया, उसमें से खाली पांच, छोड़िए 1 या 2 ही % जो है इन एक्टर्स को मिलता है। कमाई बहुत होती है इन वीडियो से, बहुत ज्यादा कमाई होती है। ठीक है, तो ऐसा हिसाब किताब है। तो अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, अक्टूबर में ही जब ये बहुत सारी खबरें इस तरीके की सामने आई तो हुआ। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि छोड़ती क्यों नहीं, तो प्रॉब्लम यही है कि एक तो सबसे पहली बात तो इनको जरूरत है, दूसरा पॉइंट ये है
कि एक बार ये अंदर आ गई तो फिर बाहर जाने का रास्ता इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ब्लैकमेलिंग शुरू होती है कि तुम अगर छोड़ के गई तो ये वीडियोस हम तुम्हारे माँ बाप को भेज देंगे, तुम्हारे रिश्तेदार को भेज देंगे, ये सोशल मीडिया पे लीक कर देंगे, जिसकी वजह से ऑर्डर। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी ये मूवी, जैसे अभी जो मैंने आपको टेस्टिमनी बताई, वो जहां गई बिल्कुल सुनसान जगह, कहां भाग के जाएंगी वो? एक लड़की जो पूरा का पूरा क्रू है उसमें एक औरत नहीं 20 से 25 आदमी सामने खड़े हैं, कहां जाएंगे? जो बोला है वो करना ही पड़ेगा, नहीं हो सकता ये। और यहां पे जब वीडियो हटाने की बात थी, ये भी बोला जाता है वीडियो हटाने की, ये भी ना कोई हटेगा नहीं, ऊपर उल्टा सर्कुलेट हो जाएगा और इसके कोई पैसे भी नहीं देंगे। तो ये वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाया जाता है, इसीलिए छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इसमें प्रॉपर रेगुलेशन हो, किसी भी देश ने अभी तक इसको रिलेटेड लॉ नहीं लाया, हर जगह को रेगुलेशन दिख जाएगा, लेकिन दिस इज मोस्ट वॉच्ड, आपको पता है मोस्ट वॉच्ड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है पॉर्न, बट ये हिडन है, कोई बताएगा थोड़ी ना। तो ये चीज है, बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा आप समझिए। आज बच्चे उम्र से पहले ही, जो एज कहते हैं ना कि वो वक्त से पहले कोई चीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका परिणाम बड़ा घातक होता है, लेकिन आज ये हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों जो हैं वो आपसे बड़े हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही डेंजरस है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखिए ये जो कंटेंट है ना, ये आपकी साइकोलॉजी को हैक करता है और ये आपको वॉयलेंट बनाता है। आपको पता है ना कि अब अगर आप क्राइम क्रिमिनल्स को भी देखो, स्पेशली जो सेक्सुअल क्राइम होता है उनकी, जब आप इतिहास देखोगे ना तो आपको ये पॉर्न देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं दे वर एडिक्टेड टू दिस। तो ये चीज, और अनयूजुअल इमेजिनेशन, ये 150 पेज की रिपोर्ट है, ठीक है? तो इसमें इंटरव्यूज, टेस्टिमनीज, बहुत सारे एक्टर्स, सोशियोलॉजिस्ट, कुछ ने कहा हमको पैसे की जरूरत होती है, कुछ ने कहा कि हमारे पास, मतलब हम छोड़ना भी चाहते हैं तो ये हमको छोड़ने नहीं देते, कुछ ने अपनी टॉर्चर की बात बताई कि किस तरीके से अनयूजुअल एक्ट्स हमको परफॉर्म करने पड़ते हैं, जो मोस्ट सर जैसे अब्यूज्ड हो गया, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी अब तो बैन है, ठीक है, ये हो गया, और जो बहुत जैसे रेप हो गया, ये कीवर्ड्स बहुत सर्च किए जाते हैं, रेगुलेशंस के बावजूद इस तरीके की वीडियोस अवेलेबल हैं। और इसमें देखिए आप, इतना आसान है कि जो जितने ज्यादा कीवर्ड सर्च किए गए, वेबसाइट जो है उसको कैच कर लेती है, आप उसी कीवर्ड्स पे काम करती है कि जैसे मान लीजिए कि अब्यूज्ड है, ठीक है, तो अब्यूज्ड बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है, तो क्योंकि अब्यूज्ड बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है तो आप वीडियोस अब्यूज पे ही बनेंगे क्योंकि वहां से डिमांड आ रही है, तो हमको वही देना है। तो इस तरीके से हिसाब किताब होता है, भयानक टॉर्चर होता, वॉयलेंस होता, मारा पीटा जाता है। कुछ औरतों ने जो टेस्टिमनीज में यह भी बोला है कि हमको समझ लीजिए कि कोकीन दिया गया, इंजेक्शन दिए गए नशे के, ताकि हम इन एक्ट्स को परफॉर्म कर पाए, हम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हमारी बॉडी को सिर्फ एक मांस के लोथड़े की तरह, अ पीस ऑफ फ्लेश की तरह यूज किया गया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम यही करोगी, ठीक है ना? तो ये चीज है, मॉडर्न स्लेवरी है, ये मॉडर्न स्लेवरी, स्लेव ट्रेड होता था, आपको याद है ना 19th सेंचुरी में जब अफ्रीका से गुलामों को ले जाया जाता था अमेरिका, और वहां पे वो सिर्फ एक कमोडिटी होते थे, उसमें नाम छीन लिया जाता था, एक नंबर दे दिया जाता था, और सिर्फ जैसे आज आपके लिए आईफोन है, ये बोर्ड है, ये पेन है, यही होते थे कि तुम्हारी इससे ज्यादा औकात नहीं है तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो यही हो रहा है यहां पे, मॉडर्न स्लेवरी है। तो रिपोर्ट यही बोल रही है कि एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे पॉर्न हब कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉर्न प्लेटफॉर्म है, इस पे तो इन सब पे भी, फिर उसके बाद वही है कि वॉयलेंट कंटेंट जो है, प्रॉब्लम ये है ना कि अगर यहां पे कंट्रोल आ जाए तो काफी कुछ हो जाए। और ये सारे जो मैंने आपको बताया कि ये कीवर्ड्स, सरप्राइज हो गया, अनइंटेंडेड, फेशियल टॉर्चर, किडनैपिंग, ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं इस तरीके के सर्च किए जाते हैं, एंड इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई। तो जब औरत रोती है तो सच में रोती है, फिर उसके बाद इट इज, देखिए यहां पे पॉलिसी पे भी फोकस किया गया। रिक्रूटमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो ये बता रहे कि एज पे डिपेंडेंट है ये, ठीक है, रिक्रूटमेंट सिस्टम इट्स बेस्ड ऑन द यंग एज ऑफ द एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस, जो जिसकी जितनी कम एज उतने ज्यादा चांसेस उसके, और उतने ज्यादा पैसे इसमें यहां पे मिलते हैं। और उसके बाद औरतों को बहुत ज्यादा सपने दिखाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, ये हो जाएगा, इतने पैसे मिल जाएंगे, बहुत कम टाइम में तुम बहुत अमीर हो जाओगी, ठीक है, लेकिन ये सब झूठा होता है, झूठा होता है। और यहां पे ये अगर मान लीजिए कि कोई औरत कहती है कि भाई देखिए चलो वो चली गई, ठीक है, और अगर वो कहती है कि मुझे अब इस इंडस्ट्री से बाहर जाना है, तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं 3,000 से 5,000 यूरो तक, कि इतने पैसे देंगे, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि आपका वीडियो रिमूव हो नहीं रिमूव हो। अब उसके बाद प्रपोज